नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। राज्य के अस्पतालों की स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिससे कोरोना मरीजों को अस्पतालों में एक ही बेड शेयर करना पड़ रहा है। ANI ने नागपुर के GMC अस्पताल की तस्वीरें साझा की है, जिसमे एक बेड पर दो दो मरीज दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट अविनाश बी गवंडे ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि न केवल शहरों के बल्कि ग्रामीण इलाकों के मरीज भी आ रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी मरीज आ रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अस्पतालों में व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। गवंडे ने कहा कि OPD में 50 से 60% की क्षमता है, लेकिन हम मरीजों को इंतजार करते हुए नहीं रख सकते, इसलिए उनका ऑक्सीजन लेवल प्रभावित होता है। अस्पताल में दबाव बढ़ता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन ये रोज नहीं होता। मरीजों को 15 मिनट से आधे घंटे तक का इंतजार करना पड़ता है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों को देखते हुए सप्ताहांत में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन करने की रविवार को घोषणा की। सप्ताहांत के लॉकडाउन के अलावा सोमवार रात 8 बजे से कड़ी पाबंदियां भी लगाई गई है। राज्य में रात्रकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा और सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। इसके साथ ही सिनेमा घर, नाटक, थिएटर बंद रहेंगे। फिल्मों और टेलीविजन की शूटिंग भीड़भाड़ नहीं होने की सूरत में जारी कर रही है। पार्क और खेलकूद के स्थान बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों को भी SOP का पालन करना होगा। सार्वजनिक परिवहन सेवा जारी रहेंगी। इनमें बीमा, मेडिक्लेम, बिजली विभाग और नगर निगम के कार्यालय शामिल नहीं है। आवश्यक सेवाओं को रात्रकालीन कर्फ्यू में छूट दी गई है।